नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की तमाम अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर जिले को बादली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी 400 पार होगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां मंच से उन्होंने एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किया। पांच रुपए का चेक भेजते थे और अभी पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा हो, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल कर, परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का एक पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। यह झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है नरेंद्र मोदी जी ने 3,00,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी ये युवराज फिर आया निकल करके, हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर कि देश के लोग तो भोले हैं, बात में आ जाएंगे, वोट दे देंगे, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे, क्या गरीबी हटी है? 25 मई को इस देश के आज्ञा का फैसला हम सब ने करना है। भाइयों, हम देखते भी है पिछले 10 वर्षों में देश में जबरदस्त काम हुए हैं। इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर ये हमारे सामने है, परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे, किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही
उनको बात करते थे, परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था। भाइयों, वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे। चाहे एक महीने में समय मिले, चाहे दो महीने में समय मिले, भाइयों रोहतक की चिंता नहीं होती थी, चिंता नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे करके वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे। और फिर वहां जा करके प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेर पहुंचाने का काम किया है। ये इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर झज्जर से है, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल झज्जर में प्रत्याशी और रोहतक लेस से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, जहां पूर्व सीएम ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हवा निकल चुकी है। हरियाणा में इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में 1.5 महीना की देरी है। वह और सीएम अब तक हरियाणा में 35 जनसभाएं कर चुके हैं और जब तक कांग्रेस हरियाणा में संभलेगी तब तक बीजेपी प्रदेश के सभी 90 हलकों को कवर कर चुकी होगी। विजय संकल्प रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की हवा निकल चुकी है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अब तक कई रैलियां कर चुकी है और कांग्रेस ने अपनी सूची जारी करने में इतनी देरी की है कि कांग्रेस के पास अब समय नहीं बचा है। सामने वालों की हवा निकली हुई है बिल्कुल, क्योंकि एक तो महीना 1.5 महीना जिस प्रकार से उनके यहाँ विलंब उन्होंने किया है, आज जनता का माहौल बन चुका है। मैं स्वयं और हमारे मुख्यमंत्री हम लोग लगभग 35 से ज़्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और हमारा कार्यकर्ता भी एकदम चार्ज्ड है। 3.5 लाख कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक सब अपने काम में लगा है, गली मोहल्ले में भी, सभाओं में भी और जितनी व्यवस्थाएँ उनमें भी लगा है। और अभी जब तक वो संभलेंगे तब तक तो हम 90 के 90 विधानसभाओं में अपने नामांकन वगैरह करने के साथ साथ 8 या 10 तारीख तक हमारी सारी रैलियां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं के हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और वोटिंग के दिन बहुत एक मजबूत तरीके से वोटिंग भी अच्छी होगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और उस वोटिंग अच्छी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ेगी। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह को टिकट मिलने के बाद नाराज दिख रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी को मनाने के लिए खुद रावदान सिंह उनके पास जाएंगे। रावदान सिंह ने कहा कि ये हमारा हक है और हम उनसे मिलने भी जाएंगे। पहले इस सीट से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती रही हैं और हम सब ने मिलकर श्रुति के चुनाव को लड़ा है। मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में श्रुति चौधरी भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जन सैलाब ये जोश इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा के अंदर नहीं हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की विदाई होने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का जोश आज देखने के लिए मिला है इससे भी ज्यादा जोश आने वाली 25 तारीख को मिलेगा और वहां पर एक बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी की विदाई करके रहेंगे, कांग्रेस का शासन लेके आएंगे प्रदेश में भी और देश के अंदर। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस जोश को देख करके मीडिया भाइयों के सामने भी आज सामने आई होगी हकीकत, उस बात को सच्चाई के साथ जनता को बताएं ताकि जनता इस बात का विश्वास करे कि वाक्य में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है।
हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह को टिकट मिलने के बाद नाराज दिख रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी को मनाने के लिए खुद रावदान सिंह उनके पास जाएंगे और रावदान सिंह ने कहा कि ये हमारा हक है और हम उनसे मिलने भी जाएंगे। पहले सीट से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती रही हैं, हम सब ने मिलकर श्रुति के लिए चुनाव को लड़ा है। मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में श्रुति चौधरी भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। और रावदान सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चौधरी बंसीलाल की विरासत में चाहे महेंद्र जी, सोमवीर या फिर किरण चौधरी, सभी का सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है। मुझे लगता है कि वो पार्टी को मजबूत करेंगी। परिवार में किसी तरह के मतभेद नहीं है, सभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मेहनत करेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जन सैलाब, ये जोश इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की विदाई होने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का जोश आज देखने के लिए मिला है, इससे भी ज्यादा जोश आने वाली 25 तारीख को मिलेगा और वहां पर एक बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी की विदाई करके रहेंगे, कांग्रेस का शासन लेके आएंगे। उम्मीदवार बना करके भेजा मैं चुनाव, क्योंकि कांग्रेस भाई और बहनों की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष या जाति। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का टिकट बंटवारे को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला सरमाथे है। किरण चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार से रावदान सिंह ने उनके पिछले चुनाव के दौरान जबरदस्त कार्य किया था, उससे भी जबरदस्त कार्य वे उनके लिए करेंगी। हफ्ता 10 दिन बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर ड्यूटी भी लगाएंगी। रावदान सिंह के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी में प्रचार का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं अब किरण चौधरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रावदान ने हमारी प्रत्याशी की टाइम पर मेहनत की है, उसी प्रकार हम भी उनके लिए अब प्रचार प्रसार करके मेहनत करेंगे। और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ, और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है, परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है, और मेरे अंत तक जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी हैसियत, मैं लोगों के लिए। तो दांगल को टिकट मिली है, उनकी मदद करेंगे, प्रसार करेंगे उनके लिए। भिवानी जो है जिला, चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है, चाहे दादरी हो चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़ श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है, थैंक यू। और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है, और ये सब हमारा परिवार है, तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं, और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गुट जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है, नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी, लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। मैंने आपको अभी बता तो दिया, और क्या अब इसके ऊपर, और क्या ये इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात हो। कांग्रेस उम्मीदवार कहाँ तक आप लोग, अब वो तो अब आए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किरण चौधरी ने रावदान सिंह के प्रत्याशी घोषित होने के बाद बाहर आकर प्रचार किया, कांग्रेस को जिताने के लिए, वोट देने के लिए, बहुमत से जिताने के लिए अपील की। किरण चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि रावदान सिंह ने भी पार्टी के लिए बहुत काम किया है और हम भी पार्टी के सिपाही हैं, लगातार पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों का सवालों के जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है और वो लगातार इसी तरह पार्टी के लिए काम करती रहेंगी। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।